So is it going back in Manveer's zone? This is literally we are going to react on Judge Recognize Murderer as a school friend. By Swagger Sharma. So yes. Yaar, sir, bahut saare decision. बहुत दिनों से Swagger Sharma के लिए आ रहे थे. So let's check it out. इसके Swagger Sharma की आई गेस ये हमारी second video है. इससे पहले हमने अब क्या ऐसे वो किया था. Okay guys, so let's go and देखते हैं कि यहाँ पे जो murderer है वो best friends को कैसे किया. So here we go. प्ले कैसे होती है? ऐसे होती है प्ले. तुम करके दिखाओगी? टेंशन. तुम भी ऐसे करो. क्या है भाई? मैं नू कह रहा था फांसी बचा लियो बस, मर के जेल जाऊंगा. हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा. देखिए माता जी, मैं आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकता, पर उसके कातिल को फांसी की सजा जरूर दिलवा सकता हूँ. अरे वो क्या कह रहा है? अरे मैंने बोला ना मैं पूरी कोशिश करूंगा. अरे तेरी कोशिश यो चुदवा के मानेगा? मैंने घर के सही कह रहे थे, सस्ते के चक्कर में मत पड़े, तो फर्जी वकील की केस लड़ेगा. तो बकवास करी ना, खुद लंजो में लेके अरे मर्डर करना आता ही है तो करते क्यों? सारे सबूत सारे गवाह सब खुलने छोड़ सा है, इनका बचवा लो इनको. सिट डाउन. क्या है आज का? बताओ यार, लड़की के चक्कर में अपने ही दोस्त को मार दिया. राम 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 राम. देखिए माता जी, ये इंडिया का यंगेस्ट जज है, फांसी देने में 2 सेकंड नहीं लगाता. ऐसों को तो बिना कार्रवाई के ही फांसी दे देनी चाहिए. तू दे ले जजमेंट. सॉरी सर. तू पढ़ ले फैसला. सॉरी सर. आंटी वाली एंगल से कर रही है. एडवोकेट यादव. जी जनाब. एडवोकेट मिश्रा. यस सर. हैं अटेंडेंस ले रहा है? बोलते हैं हिंदी हो. धर्मेंद्र सैनी. हाँ जी. ओह अच्छा, ये ऐसे था. 12th B मेरठ पब्लिक स्कूल. हाँ. अबे धर्म पहचानने नहीं क्या? अबे शिवम शर्मा. अबे शर्मे तो. अबे कैसा है भाई, इतने दिनों बाद यार. लास्ट शायद बर्थडे में मिले थे मेरे 12th के बाद, पता नहीं कहाँ गायब हो गया उसके बाद. पापा का ट्रांसफर हो गया था. निक्की याद है मेरी गर्लफ्रेंड? वो वाइफ हो गई तेरे भाई की. अब रुक वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ. माजी माजी देखिए सुनिए आप मेरी बात. हाय कोर्ट में पता कौन मिला आज? देख 12th बी वाला धर्म. दोस्ती अपनी जगह और न्याय अपनी जगह. आपके बेटे के कातिल को फांसी जरूर होगी. फांसी? पागल है क्या भाई बेटा? यार मैं देखूं कौन सी लाती है. हाँ जी कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए. योर ऑनर, 2 अक्टूबर की सुबह धर्मेंद्र सैनी को. एक सेकंड, तुझे किसने बोला बोलने को? योर ऑनर मैं. रुक जी, नीचे बैठ. जब मैं बोलूंगा तब बोलोगे? जनाब मैं तो. हाँ जी यादव जी शुरू करो. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं. वे 2 अक्टूबर को परवीन का कत्ल कैसे कर सकते हैं जबकि उस रात वो दिल्ली में थे ही नहीं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड. ओवररूल्ड. नीचे बैठ. हाँ जी कहाँ थे आपके क्लाइंट? 2 अक्टूबर को मेरे क्लाइंट पंजिम गए थे स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग अटेंड करने. वहीं पे वो एक लॉज में रुके. पास वाले होटल से उन्होंने पावभाजी खाई और 3 तारीख को उन्होंने पिक्चर देखा. साहब ये भरी अदालत में दृश्यम की कहानी सुना रहा और आप कुछ नहीं कह रहे? कहता हूं ओवरूल्ड. नीचे बैठ. जनाब ये रहे सारे सबूत उनके 2 तारीख को पंजिम में होने के. योर ऑनर आप खुद सोचिए कि एक बंदा अपने ही बेस्ट फ्रेंड का कत्ल कैसे कर सकता है. वैलिड पॉइंट. ये है वैलिड पॉइंट, मेन बात है ये. एक दोस्त, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई. एक दोस्त. खत्म केस खत्म. हां मिश्रा जी अब शुरू करो. सर इस फिल्मी कहानी को मैं 2 सेकंड में खत्म कर देता हूं. योर ऑनर मौका वारदात से हमें ये चाकू
और धर्मेंद्र सैनी का ये वॉलेट मिला। इसी चाकू से प्रवीण का कत्ल हुआ और इस पे धर्मेंद्र सैनी की उंगलियों के निशान भी है। इससे साफ साबित होता है मिलॉर्ड कि यादव जी ने कोर्ट में जो कहानी सुनाई, जो सबूत पेश किए, वो सारा सर झूठे हैं। इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर धर्मेंद्र सैनी जी। हाँ मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, लाओ वो फिंगरप्रिंट। क्या दिखा रहे थे, किसके फिंगरप्रिंट है? नहीं, कुछ है ही नहीं जनाब, कुछ है ही नहीं। ऐसा है, अदालत का टाइम खराब करने की तो सोचना मत। अब इस वॉलेट के बेसिस पे तो हम किसी को फांसी दे नहीं सकते। कोई पुख्ता सबूत हो, गवाह हो तो पेश करो। सर मैं आपकी इजाजत से सैंडी सिंह को कटघरे में पेश करना चाहूंगा। हाँ इजाजत है। सैंडी सिंह हाजिर हो। मैं थप्पड़ खींच दूंगा तेरे, पागल है तू? और बैंचो, क्या हाल है? इसे है बैंचो। तो सैंडी भाई बताइए, अदालत को 2 अक्टूबर की सुबह आपने ऐसा क्या देखा? 2 अक्टूबर की सुबह रेशमा अपने कपड़े पहन के घर वापस जा रही थी। सैंडी सबने बालकनी में खड़े होकर क्या देखा वो बताइए। ओ बालकनी में मैं चाय पी रहा था बैंचो। अबे तुम जाहिल हो क्या? मैं कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है गाली मकर खड़े होके? अरे सर ये गाली नहीं है बैंचो, ये तो दिल्ली वालों का प्यार है। दिल्ली से है बैंचो। 250 साल के लिए अंदर करवा दूंगा, तमीज में खड़ा हो जा कायदे में, उतारे टोपियों भी। अरे सर किलस कर रहे हो बैंचो, लो दादाजी निपट गए थे बैंचो, तो इस चक्कर में टोपी फैल ली बैंचो। अच्छा ठीक है बताओ क्या बता रहे थे बालकनी में क्या? हाँ दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस ने जम के लट बरसाया। ये तो लट तोड़ रही है पुलिस, आज कुछ हो जाए घर के बाहर नहीं जाएंगे। और भाई भाटिया क्या हाल है? गाली बके बता दे क्या हाल है। अरे सैंडी भाई कैसे हो? आए फुल पैसा आ रहा है, नई गाड़ी है। अरे कहाँ यार? अरे कहीं डाका वाका मार लिया है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप का कमाल है। ओक्टा एफएक्स? सर ये फालतू में पता नहीं क्या बात करी जा रही है। आपको नहीं पता? नहीं। अरे इनको तो अभी बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर एशिया 2019 का अवार्ड भी मिला है। फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज जैसा है क्या? सर मैं कह रहा हूँ। अरे क्या आग लग गए चूतरा, होश ले ले, बातचीत बंद ले ले। करेंसी एक्सचेंज जैसा है क्या? मैं नहीं नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग जैसा ही है, पर ओक्टा एफएक्स में आप $20 से स्टार्ट कर सकते हो। ये कैसे काम करता है? कैसे काम करता है ये? सिंपल है, जब रेट लो हो तो खरीद लो और जब हाई हो तो बेच दो। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, प्रैक्टिस करने में, पर एक बार आ गया ना तो अंधा पैसा कमाओगे। ये देखो मेरी एक वीक की इनकम। इसे तो भी डाउनलोड करता हूँ। और हाँ डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लेना और प्रोमो कोड में स्वैगर डाल देना, पहला डिपॉजिट डबल हो जाएगा। अभी कर देते हैं। अरे मिश्रा जी कैसे मुंह फुला के बैठ गए? निकल लो कर लो कर लो बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। किसी का मर्डर हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? सुनो ऐसा है, तुम्हें यार रूठने मनाने के लिए नहीं बैठे हुए हम, शांति से केस लड़ो अगर लड़ना है तो। सुनो मिस्टर बिजनेसमैन, सिर्फ कत्ल से रिलेटेड क्या हुआ वो बताओ। मैंने देखा कि आदमखोर बिल्डिंग के गेट के अंदर घुसा हुआ है, फिर उसके थोड़ी देर बाद फर्स्ट फ्लोर से चीखे चिल्लाने क्या आवाज आई, फिर उसके बाद ये आदमी बिल्डिंग के गेट से निकल के एकदम बाहर है। धर्मेंद्र सानी को पता लगा कि उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड प्रवीण के साथ उन पर चीट कर रही है और इसी में उन्होंने अपना आपा खोया और प्रवीण का कत्ल कर दिया। खून होता हुआ नहीं देखा ना यार इसने, ये कहानी इसने खुद बनाई है। खून होते हुए देखा इसने नहीं, कुछ ठोस सबूत हो तो ठोस सबूत, कोई गवाह ठोस हो तो वो लेके आओ यार। ठीक है आपकी इजाजत है, मैं मिस आकांक्षा सिंह को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है आकांक्षा सिंह। मैम दिखी नहीं खड़ी है वो, पहले कान फाड़ रहे हैं। हाँ तो मिस आकांक्षा सिंह कोर्ट को सच्चाई बताइए। मैं और धर्म पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में है, पर धर्म का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होने के कारण वो अक्सर बाहर रहते थे। उसी दौरान मेरी मुलाकात उनके बेस्ट फ्रेंड प्रवीण से हुई। टाइम के साथ हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया, पर
पर धर्म को शक होने लगा था एंड धर्म के बर्थडे पार्टी पे आयरन प्रवीण हार्ड ने आगे बताइए स्किप करिए इस पार्ट को, आगे बताइए फिर क्या हुआ। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, मैं धर्म को सब कुछ बताना चाहती थी पर मेरे बताने से पहले ही 2 अक्टूबर की सुबह आकांक्षा धर्म में वॉशरूम में हूँ, नाश्ता किचन में रखा है वहां से ले लो। साले प्रवीण हरामखोर, तू मेरे पीछे से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। भाई भाई मेरे बात सुन, मैं तुझे बताने नहीं वाला। तू क्या बताएगा साले, मैं बताता हूँ तुझे आके। और फिर 2 अक्टूबर की सुबह प्रवीण की लाश उसी के घर से मिली। तो देखा मैं मिलोल, सारा जो केस है वो हमारी आंखों के सामने है। ची! तो जैसे मैं कह रहा था, देखा आपने मिलो, सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने। जो बंदी अपने बंदे की सगी नहीं हुई उसको क्रेडिबल विटनेस नहीं मान सकते यार, इनकी गवाही खारिज करनी पड़ेगी यार, ये क्रेडिबल विटनेस नहीं है। सॉरी, कुछ ठोस सबूत चाहिए, कुछ ठोस सबूत मिश्रा जी, ठोस। पुख्ता सबूत चाहिए आपको। अब मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूँ जिससे केस बिल्कुल साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या क्या चीज, मैं एक अलग से दिखाऊंगा मुझे? नहीं 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 नहीं, सबके सामने दिखाऊंगा, तुमने मजबूर किया मुझे ये दिखाने के लिए। क्या चीज, क्या है? सीसीटीवी, कतल का सीसीटीवी फुटेज। देखो किस्मत देखो तुम्हारी, 2 दिन से टीवी खराब पड़ा है, अगर टीवी खराब ना होता तो आज ही फैसला हो जाता। कोई नहीं, मैं 2-4 दिन की बात की डेट देता हूँ, टीवी रिपेयर हो जाएगा तब तक। नहीं सर, सुबह रिपेयर करवा दिया था मैंने। तू देखो मिश्रा जी, मुझे लगता नहीं कि अब और किसी सबूत की जरूरत है। नहीं। देखो यार मिश्रा जी, सबूत तो तुम्हारा था, मतलब अच्छा था, पर देखो खून तो इसमें भी मतलब होते हुए नहीं दिखा। अब तुम्हें जज किसने बनाया यार? साले जज से बदतमीजी कर रहे हो। भाई की बदतमीजी, सारे सबूत सारे गवाह चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि खून जमीन ने संग ले किया और तुम अपनी धुन में लगे हो। तू नीचे कर लो, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे तुम्हारा। अरे टर्न की ऐसी की तैसी। मिश्रा बेटा गया 3 महीने के लिए, तुम्हारा लाइसेंस घर बैठो अपने। भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। 6 महीना बेटा मिश्रा चुप हो जाओ, बता तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का तलाक। 9 महीना मिश्रा बेटा एक शब्द और बोले हमारी हमारी बीवी के बारे में तो काला कोट सिर्फ शादी में हमें पहनते दिखाई दोगे, कसम बता रहे करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। चुप शांति, अभी क्या करेगा, वैसे उम्र भर की कैद दे देता। अम्बे अम्बे अरे
माता जी 9 महीने का लाइसेंस कैंसिल हो गया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लाइसेंस कैंसिल हो गया, चुप हो जाओ। देखो मिश्रा, कुछ भी करो, बीवी से मजाक नहीं, बीवी को बीच में मत लेके आना कभी। आई यू मैड? तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ऐसे नकली गवाह और इस एक वॉलेट को सबूत मान के धर्मेंद्र सैनी को फांसी देना बहुत ही अन्याय होगा, लिहाजा ये अदालत। तो सब कुछ छोड़ के जाने से क्या होगा? देख मैं क्या कह रही हूँ, उसको ना सब कुछ सच सच बता देते। I'm sure he will understand. अरे कौन क्या अंडरस्टैंड कर रहा है? अच्छा चल मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय। किसका कॉल था? वो ना मेरी फ्रेंड का कॉल था। हाँ, उसकी ना एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन? वो ना अपने ही बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ उस पर चीट कर रही है, तो मैंने उसे बोला कि ना उसको सब कुछ सच सच बता दे। I'm sure he will understand. घंटा अंडरस्टैंड, दोनों को जिंदा गाड़ देगा। कैसे लोग हैं यार इस दुनिया, मतलब अपने ही बंदे के बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रही है उस पे। तू क्यों हाइपर हो रहा है? उनकी सिचुएशन है, वो संभाले। एंड धर्म के बर्थडे पार्टी पे आयन प्रवीण हैड अ मोमेंट। निक्की भाई, निक्की को दिखाई क्या? एक काम बचा है क्या? अरे बर्थडे के दिन तो इज्जत कर लो यार। निक्की वाइफ हो गई तेरा भाई की, अब रुक वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ। हाय, कोर्ट में पता कौन मिला आज? देख ट्वेल्थ की वाला धर्म। निक्की को देखा है क्या? निक्की, निक्की धर्म, निक्की को देखा है क्या? कहीं मिले तो बोलिए, मैं ढूंढ रहा था। निक्की निक्की, अरे निक्की यार मैं तेरे को ढूंढ रहा था, कहां पे थी? मैं तो यहीं पे थी। अब फांसी मिलेगी और सारे सबूत हो जाएंगे, लिहाजा ये अदालत धर्मेंद्र सैनी को प्रवीण रंजन के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए दफा 320 के तहत फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। ये इस चीज का कंक्लूजन ये है कि जब तक खुद पर नहीं दिखती पता नहीं चलता। सर ये नहीं होना चाहिए। बाकी है ना दोस्ती यारी, आप जब प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो तो वहां पर आपका प्रोफेशनली सबसे आपके ऊपर होता है, बाकी दोस्ती प्यार वार सब कुछ बाद में होते। मुझे बोलने दो, नहीं तो अभी भूषण पड़ेगा बहुत तगड़ा वाला, यही बेश हो जाऊंगी। सो दो सर ये सारी बातें थी, अब तुम बोल दो। मुझे लगता है कि जो मतलब फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, अगर आप कर सकते हो किसी वे में तो करें, बट दिस सिनेरियो इज वेरी रॉन्ग। और यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का साथ देकर उसे गलत के लिए और ज्यादा प्रमोट करते हो, जो कि सही नहीं है। अगर अपने फ्रेंड के प्रोफेशन में भी किसी तरह की मदद कर सकते हो, वो अच्छी मदद है, तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हैं यार, फ्रेंड के ही काम आता है, बट इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। और जो लास्ट में हुआ वो एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट दिखाया वीडियो में, कि वो उसी, मुझे ना स्टार्टिंग में ही लग रहा था कि वो जब उसे एकदम बोल गया वो मेरी बीवी है, तो वो चुप हो गया, बल्कि कुछ कहना चाहता था, तो जैसे ही वो सीन आया तो मैं समझ गई थी कि हाँ ये पक्का इसकी वाइफ के साथ कुछ गड़बड़। बहुत समझदार लड़की, बहुत ज्यादा समझदार। मुझे लगता है इसको क्रिएटिव टीम में होना चाहिए था, स्वागत शर्मा की या फिर किसी की भी। यार स्वागत शर्मा, इफ यू वांट आई कैन ज्वाइन योर क्रिएटिव टीम। खुद एक कहानी तो लिख के दिखा दो। I'm a very good storyteller. Teller है ना, writer नहीं है। Very good storyteller. वो इसी story बता सकते हो, narrate भी कर सकते हो। But you know what? जब अंगूर के साथ लंगूर हो तो क्या करूँ? सही बात है, लंगूर नहीं सर, अंगूर। Yes, yes. देखा, सच कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही आता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि स्वागत शर्मा के और वीडियो पे रिएक्ट करें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन। सजेस्ट कमेंट सब कुछ करते रहो।